हमारे लिए आज की अंजीलें मुकदस मुकदस मरकस की अंजील उसका आठ बाप ग्यारह से तेरह आयात तक तफरीसी निकल कर उससे बहस करने लगे और उसे आसमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया उसने गहरी आँख खींच कर कहा यह पुश्त क्यों निशान तलब करती है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान ना दिया जाएगा और वो इन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया पाकलाम के पड़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो खुदामंद का शुक्र बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमेन ऐ खुदाम फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है उसी में मेरे अजीज बहनों और भाइयों खुदाम यसुम की सलामती आप सबके साथ हो मेरी दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से खुदावन हमें और हमारे घराने को बड़ी बरकत दे तो आज की इंजील की तलावत में हमने सुना कि फरीसी यसु से बहस करने के लिए आए ताकि उसे आजमाएं क्योंकि फरीसी चाहते थे कि यसु आसमान से कोई निशान उनको दिखाए ताकि वो यसु पर ईमान लाए फिर इसी चाहते थे कि यस्ु को निशान दिखाए ताकि वो जान सकें कि यस्सु वाकई ही मसीहा है फिर इसी जो तो यहां पर लफ्स आजमाइश यूनानी में वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो कि शैतान ने जब यस्सु को आजमाया जहां पर मरकस की झील उसके पहले बाब उसकी तेरहवीं आयत में जिक्र है और वो बियाबान में चालीस दिन शैतान से आजमाया गया तो शैतान ने भी खुदा युमसी को आजमाया अगर तो खुदा का बेटा है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को हैकल के किंगरे से गिरा दे अगर तू गिरकर मुझे सिजदा करे तो दुनिया की सारी शान शौकत मुमलिक मैं तुझे दूंगा शैतान ने खुदाम युमसी को आज़माया कि खुदांदुमसी शैतान के कहने पर कोई मुआजा करे लेकिन खुदांद यसुमसी ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया आज फरीसी भी खुदांद से यही चाहते हैं कि वो अपने आप को मसीहा जाहिर करने के लिए उनके लिए उनके कहने पर कोई मुआजा करे लेकिन खुदांद यस्मसी ने ऐसा नहीं किया इससे पहले भी हम बाइबल मुक़दस में देखते हैं कि खुदांद यस्ुम ने फरीसियों के सामने बहुत सारे मुजजात किए मरक़ की झील उसके आठवें बाप की पहली चंदायात में ही हम देखते हैं कि खुदांद यसुम मसीह ने सात रोटियों से चार हजार लोगों को खाना खिलाया और सात टोकरे बच भी गए लेकिन फिर भी फरीसी खुदांद मसीह के इन मोजात पर इन निशानात पर ईमान नहीं लाए मेरे जिजो हम भी फरीसियों की तरह ज़िंदगी में खुदावन से बहुत सारे निशानात तलब करते हैं जब हम अपने करियर के बारे में किसी रिश्ते के बारे में या ज़िंदगी किसी अहम फैसले के बारे में खुदावन की आवाज़ सुनना चाहते हैं खुदावन से निशान तलब करते हैं लेकिन मेरे चीज़ों याद रहे कि हम निशान के बजाय ईमान पर ज़्यादा भरोसा रखें बहुत सारे मुकदसम ने खुदावन से अपनी ज़िंदगी में निशाना तलब किए लेकिन उसके बाद वो ख़ुदा पर ईमान भी लाए लेकिन फरीसी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते थे कि वो निशान तो तलब करें कोई मुजदा तो देखें कोई बड़ा काम तो देखें लेकिन वो यसु पर ईमान लाने के लिए इस गर्ज़ से सू को सिर्फ आजमाने के लिए कहते थे लेकिन ईमान नहीं लाना चाहते थे दूसरी बात मेरे जिजो खुदाम यसुम उसी को फरीसियों पर बहुत दुख हुआ क्योंकि बाद मुकदस में लिखा है यस्सु ने गहरी आ खेच कर कहा यह पुष्ट निशान क्यों तलब करती है तो यहां पर खुदा यूसुमसी ने अपने दुख और रंज का इजहार किया और ख़ुदादीसमसी ने फरीसीयों को बनी इसराइल कौम के साथ मिला दिया जिसका जिक्र हम जबूर में सुनते हैं जबूर पिचानवे उसकी आठवीं आय से दसवीं आय तक यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह बनी इसराइल ने खुदामन के बड़े बड़े कामों का इनकार किया और खुदा पर यकीन ना किया तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा मुरीबा में या जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देख कर भी मुझे आजमाया चालीस बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये गुमराह दिल कौम है और वो मेरी राहों से ना वाकिफ हैं तो मेरे जीजों हम यहां देखते हैं कि जिस तरह बनी इसराइल कौम ने खुदा के बड़े बड़े मोजात देखे काम देखे और उसके बाद वो फिर खुदा के कुदरत को भूल जाते उन निशानात को भूल जाते तो आज खुदा मुजस्म सी गहरी आ भर के दुख के साथ इसी को ये कहना चाहता है कि मैंने बहुत सारे मोजात किए जो तुमने देखे लेकिन अफसोस कि तुम भूल जाते हो तुम ईमान नहीं लाते आए मेरे जिजु खुदाउंद से फजल मांगे कि खुदावन हमें अपना फ़जल अदा करे ताकि हम हमेशा खुदावन पर पुख्ता ईमान रखें इसी हमारे खुदांद के वसीला से आमिन